आज हम बनाने जा रहे हैं नान, और इन नान को हम बिना तंदूर के ही बनाकर तैयार करेंगे। आज हम इन नान को तवे पर बनाएंगे, तो चलिए फ्रेंड्स तवे से नान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं नान बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। नान बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े कप मैदा, एंड हमें चाहिए 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर। मैंने 1 टेबल स्पून शुगर को मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से बारीक पीस लिया है। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून ऑयल। 1 टेबल स्पून ऑयल हम अभी यूज करेंगे, एंड 1 टेबल स्पून ऑयल आटा लगाने के बाद। एंड हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप दही। अभी हम सभी इंग्रेडिएंट को इसमें मिक्स कर देंगे। शुगर पाउडर, सॉल्ट, दही, बेकिंग सोडा एंड ऑयल। थोड़ा सा ऑयल अभी हम बचा लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अभी हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। हमें इसमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। हमें इसी तरीके से मिलाते हुए इसके लिए बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करना है। आप डो को बहुत ज्यादा हार्ड ना लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके का सॉफ्ट डो तैयार किया है। तो अभी हम इस डो को इस तरीके से प्लेन सरफेस पर ले लेंगे, और इसे प्लेन सरफेस पर लेकर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मलेंगे। हमें इस तरीके से इसे अच्छे से गूंद लेना है। अभी हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे इसी तरीके से गूंद लेंगे। आप इसे जितने अच्छे से गूंदेंगे, हमारे जो नान है वो उतने ही अच्छे बनके तैयार होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरीके से अच्छे से मल लिया है। अभी हम इसे बाउल में रख देंगे। मैंने इस तरीके का सॉफ्ट डो लगाया है, तो आप इसके लिए जो डो लगाएं वो काफी सॉफ्ट हो। अभी हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अभी हम इसे एक भीगे कपड़े से ढककर रख देंगे। हम इसे 2 घंटे के लिए इसी तरीके से रखा रहने देंगे। 2 घंटे के बाद अभी हम कपड़े को हटाएंगे और इस डो से लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। मैं इस तरीके की लोइयां ले रही हूँ। अगर आपको नान छोटे बनाकर तैयार करने हैं, तो आप लोई का साइज थोड़ा छोटा लें। मैंने इतने आटे से 6 से 7 लोइयां बनाकर तैयार की हैं। तो अभी हम सबसे पहले एक लोई लेंगे और इसे एक चकली की हेल्प से इस तरीके से बेलेंगे। हमें इस लोई को बेलने से पहले इस पर हल्की सी सूखी मैदा लगानी है, जिससे कि बेलते टाइम चकली पर चिपके ना। अभी हम इसके नान बेल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से बेल रही हूँ। हमें नान को सभी साइडों से इक्वली बेलना है, और नान हल्का सा मैं इस तरीके से ओवल शेप में बेल रही हूँ। आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं, बट नान ये जो है वो थोड़े से ओवल शेप में अच्छे लगते हैं। तो अभी मैंने नान को बेल लिया है। अभी हम इसकी एक सरफेस पर इस तरीके से पानी लगा देंगे। तो अभी जो हमारा नान है वो बनके तैयार है। नान को सेकने के लिए मैंने इस तरीके का एक तवा लिया है। आप नान सेकने के लिए कभी भी नॉनस्टिक का तवा ना लें। तवे को अच्छे से गर्म होने के बाद आप तवे को उल्टा कर दें। आप चाहें तो इसे सीधे तवे पर भी बना सकते हैं। मैं आज इन्हें उल्टे तवे पर बना रही हूँ। हम नान को उस साइड से तवे पर चिपकाएंगे जिस साइड से हमने इस पर पानी लगाया है। अभी हम नान को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए सिकने देंगे, जब तक कि इस पर बबल्स ना आ जाए।
अभी हम तवे को सीधा करेंगे और इसे डायरेक्ट गैस की फ्लेम से सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से नान को अच्छे से सभी साइडों से हल्की हल्की छींट आने तक सेक लें। इस तरीके से ये जो नान है वो एकदम तंदूर के जैसे बनते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप इस नान की रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके से हम नान को सभी साइडों से अच्छे से सेक लेंगे। नान को सेकने के बाद अभी हम तवे को सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमारा नान है वो सभी साइडों से अच्छे से सिक चुका है। अभी हम इसे तवे से अलग करेंगे। अभी मैं आपको इस नान को पलट कर दिखाती हूँ, ये दूसरी साइड से किस तरीके से सिका है। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी साइड से भी एकदम परफेक्ट सिका है। तो अभी हम तवे को सीधा कर देंगे एंड गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। अभी हम नान पे घी लगाएंगे। आप इस पर घी या बटर जो भी आप खाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी नान बनके तैयार हैं। अभी हम इन्हें एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप इन्हें दाल या किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये नान बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। तो इसी तरीके से एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।